हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक ट्रांसफार्मर देखेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, उसका कोर क्या रहता है, उसका स्टेप अप स्टेप डाउन सब कुछ देखेंगे। तो मेरे सामने एक ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज एनी फ्रीक्वेंसी। कि क्या है ये ट्रांसफार्मर, क्या करता है ना, एक सर्किट से अलग एक सर्किट को एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहता है, स्टेप अप रहता है, स्टेप डाउन रहता है। जहाँ हमारा ज़रूरत है स्टेप अप करने का, स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहता है। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये आप देख पा रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये हमारा जो प्राइमरी है, इधर साइड में प्राइमरी है, ये 440 वोल्ट का प्राइमरी सप्लाई है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये 440, ये प्राइमरी साइड है 440 वोल्ट, और ये जो है हमारा सेकेंडरी। ठीक है, ये है 110 वोल्ट का। हमको जितना वोल्टेज का सप्लाई चाहिए उस हिसाब से 24 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, ठीक है, उसी हिसाब से ये जो इसका जो कोर रहता है, ये पार्ट जो है, ये कोर रहता है ट्रांसफार्मर का कोर, और उसके ऊपर ये वाइंडिंग होता है। देखिए, अब देख पा रहे हैं, ये वाइंडिंग रहता है। ठीक है, तो हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन उसी हिसाब से हमारा क्या है ना, कोर में वाइंडिंग होता है। जो हमारा कॉपर वायर है वो वाइंडिंग होता है स्टेप अप स्टेप डाउन के हिसाब से। तो हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है 110 VA, ठीक है, 110 VA का है, वोल्ट एम्पियर का है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो KVA में होता है। तो ये क्या है, VA है, ये एक KVA नहीं है, एक KVA मतलब 1000 VA होता है। तो ये है, ये एक KVA का भी ट्रांसफार्मर नहीं है, 110 VA का है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, एक सर्किट को अलग सर्किट को ट्रांसफर करता है विदाउट चेंज एनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन वोल्टेज को वेरी करता है। ठीक है, ये एक स्टैटिक डिवाइस है, ये रोटेटिंग डिवाइस नहीं है। ये एक जगह इसको रख देते हैं तो इसको फिक्स कर देते हैं, बस ये स्टैटिक डिवाइस है। इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जैसे मोटर वगैरह होता है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, स्टैटिक डिवाइस है। इसको हम लोग वोल्टेज स्टेप डाउन या स्टेप अप करने के लिए यूज करते हैं। आप देख पा रहे हैं ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है, 400 वोल्ट ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया, ये 110 VA का है, ये आपका कोर हो गया, ये आपका लीड है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, फिर मिलते हैं नया वीडियो में। ठीक है।